हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज की इस क्लास में हम स्टैट्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू। ठीक है, 20-25 एमसीक्यूज अच्छे से करेंगे, समझेंगे भी साथ में। मैंने आपको ऑलरेडी वैसे ये सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं जिससे आज के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। मूवमेंट्स, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, ये तीन टॉपिक्स है जिसमें आज के एमसीक्यूज हम करेंगे, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर जो है वो लाइव में जुड़ पाए। सबसे पहले देख लीजिए मेरी आने वाले कोर्सेज के बारे में और क्लासेस के बारे में। अनअकैडमी से अगर आपको किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन लेनी है, यूपीएससी, नीट, एसएससी, यूजीसी नेट, मस्ट यूज द कोड सिमर 10। ठीक है, सिमर 10 आपको यूज करना है और इंस्टेंट 10% ऑफ आपको लेना है। फिलहाल ये मेरा बैच कोर्स प्लस पर चल रहा है, इसके बाद आने वाले टाइम में एक और कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के करने वाले हैं, कंप्लीट बैच कोर्स और पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स, एक ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड होते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में। दो ऑप्शन रहते हैं, प्लस एंड आइकनिक। प्लस का फीस स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से है, 24 मंथ्स का 833 में आपको बढ़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरा कोड यूज करते हैं सिमर 10, आपको 10% ऑफ इस पे मिलता है। या इसी तरह से जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, और आइकनिक सब्सक्रिप्शन इस पे भी आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं। प्लस एंड आइकनिक में ये डिफरेंसेस रहते हैं कि आइकनिक में आपको पर्सनल कोच या इंटरव्यू प्रिपरेशन जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो ये कोर्सेज जो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सभी कोर्सेज आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही प्रोवाइड होते हैं। वर्क्स बाउंटी प्रोग्राम आपके लिए एक चला है, आप किसी भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है। सैटरडे को ठीक सुबह 10 बजे ये इवेंट आपके लिए लेके आ रही हूँ, सक्सेस स्टोरी इवेंट, जीआरएफ इन इकोनॉमिक्स एंड गेट इकोनॉमिक्स कैंडिडेट। ठीक है, 15 जुलाई के बाद प्राइजेस हाइक होने के पूरे चांसेस हैं, सो अपनी सब्सक्रिप्शन को इंश्योर कर लीजिए। और फिलहाल एक ऑफर भी चल रहा है, 6 महीने एंड 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट इज सिग्मा ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फार्मूला है? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, किसका कोफिशियंट है ये? कोरिलेशन का, रिग्रेशन का, वेरिएशन का, या नन ऑफ द अबव? ये सारे फार्मूले मैंने आपको करवाए हैं, यू नो के जो सिग्मा ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का कोफिशियंट, वेरिएशन का कोफिशियंट। सिंगल वेरिएशन जो होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना, और अगर आपको कोफिशियंट इसका निकालना है तो यू मस्ट एड सिग्मा ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियंसेस। वेरियंस जो है वो पहली मूवमेंट है, सेकंड मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट है, या फोर्थ मूवमेंट है? वेरियंस कौन सी मूवमेंट होती है? आपको याद होगा मैंने आपको एक मूवमेंट्स वाला टॉपिक करवाया था, मूवमेंट्स वाला टॉपिक, उसमें आपको सेंट्रल मूवमेंट्स करवाई थी, दैट आर सेंट्रल मूवमेंट्स। ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड मूवमेंट होती है, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये आपकी होती है वेरियंस के बराबर, दैट इज म्यू टू इज इक्वल टू वेरियंस, दैट इज सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, जिसे हम सेंट्रल मूवमेंट बी बोलते हैं। और एक होती है आपकी V1, दिस V1 इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के अबाउट, ये होती है मीन के अबाउट, ये होती है ओरिजिन के अबाउट। ये जो ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट होती है V1, दैट इज इक्वल टू मीन, ये मीन के बराबर होती है। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो प्लस पे मैंने करवाया हुआ है एक्चुअली, ये प्लस में अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया देन ओनली यू कैन असेस मूवमेंट सारी, उसमें मैंने आपको करवाई। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिग्मा डी क्यूब ओवर एन इज, सिग्मा डी क्यूब ओवर एन। तो जो मेरी प्लस वाली पीडीएफ फाइल थी उसमें मूवमेंट्स के सारे फार्मूले भी ऐड थे। तीन तरह की मूवमेंट्स होती हैं, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। एक होती है सेंट्रल मूवमेंट, ये जो सेंट्रल मूवमेंट्स होती हैं ये अबाउट अर्थमेटिक मीन, अबाउट अर्थमेटिक मीन। दूसरी होती है आपकी अज्यूम्ड मीन वाली, ठीक है, अज्यूम्ड मीन वाली, ये जो मूवमेंट्स होती हैं अब आपकी अज्यूम्ड मीन के अबाउट होती हैं। जैसे इसमें हम करते हैं ना सिग्मा एक्स माइनस मीन आर ओवर एन, इस तरह से इज म्यू, ये जो होती है म्यू डैश आर, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तीसरी होती है आपकी अबाउट ओरिजिन मूवमेंट। ठीक है, ये जो अबाउट ओरिजिन होती है, वी वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस जीरो आर, इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो स्मॉल एक्स होता है ना, जो स्मॉल एक्स होता है, स्मॉल एक्स जो होता है इसका मतलब होता है एक्स माइनस,
डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है डी क्यूब, तो सिग्मा डी क्यूब से ये पता लग रहा है कि ये मूवमेंट जो है थर्ड वाली मूवमेंट, क्योंकि म्यू थ्री का मतलब होता है दैट इज सिग्मा एक्स माइनस म्यू डैश थ्री का ए का क्यूब ओवर एन, है ना। तो म्यू थर्ड मूवमेंट है, लेकिन मैं आपको ये भी चीज इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये मूवमेंट है कौन सी, ये मूवमेंट है अज्यूम्ड मीन वाली। क्यों? क्योंकि स्मॉल डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये थर्ड मूवमेंट जो है ये अज्यूम्ड मीन वाली मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन। क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर हुई दोबारा से एक बार समझिए और मेरा मूवमेंट्स वाला लेक्चर देखिए, उससे क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, रेंज ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज, एक मिनट, यहाँ पे हाईएस्ट रेंज होगी जरूर, हाईएस्ट रेंज आपको पता है कि जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की हाईएस्ट रेंज है दैट इज पॉजिटिव वन, पॉजिटिव वन होती है, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज बेस्ट कैलकुलेटेड बाय, इनकम की इनइक्वालिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम किससे कर सकते हैं, मीन डेविएशन से, लॉरेंस कर्व से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, या क्वार्टाइल डेविएशन। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है, अगर हमको इनइक्वालिटी फाइंड करनी है देन दिस इज द लॉरेंस कर्व, आपको एक लॉरेंस कर्व बनाना होता है, ठीक है। जो लॉरेंस कर्व इक्वालिटी वाली लाइन से जितना दूर है मतलब उस कंट्री में उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी, कंट्री में उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज बेस्ट कैलकुलेटेड बाय लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा मेजर है, पोजिशनल, ग्राफिकल, मैथमेटिकल या नन ऑफ द अबव? स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए जो मीडियन होता है ना, मीडियन हो गया, मीडियन से क्या निकलता है, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे होते हैं पोजिशनल एवरेज। जैसे हम मीडियम जब निकालते हैं पोजीशन देखते हैं, कुछ कैलकुलेट थोड़ी ना करते हैं, दो तीन चार पाँच का मीडियम, मीडियम चार आ गया है, पोजीशन देखते हैं। दैट्स व्हाई मीडियन और उससे रिलेटेड जो एवरेजेस है वो पोजिशनल एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिलेट करता है, अर्थमेटिक मीन, मीन से, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन के थ्रू निकालते हैं ना, ये फार्मूला स्टैंडर्ड, तो दैट इज मैथमेटिकल, एक मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है। आई नो ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं पता पढ़ा हुआ, अब पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। जो क्वार्टाइल डेविएशन होती है दैट इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, ठीक है। इनमें क्या रिलेशनशिप है, इनमें रिलेशनशिप होता है 5/6 का, तो क्वार्टाइल डेविएशन है दैट इज 5/6 ऑफ मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ सिमेट्रीज, अगर सिमेट्री ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, मूवमेंट्स, मीन। एज यू नाउ अगर सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री क्या है, दिस इज सिमेट्री, स्क्यूनेस क्या है, दिस इज एंड दिस इज, ठीक है। और अगर सिमेट्री नहीं है तो या तो सीरीज पॉजिटिव स्क्यूड होगी या नेगेटिव स्क्यूड होगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का पहला मेजर, स्क्यूनेस को मेजर करने में कार्ल पियर्सन ने अपना एक मेजर दिया है दैट इज मीन माइनस मोड, ठीक है। और या फिर हम थ्री मीन माइनस मीडियन भी यूज कर सकते हैं, होपफुली आपको ये फार्मूला याद, कार्ल पियर्सन ने ये दिया हुआ है फार्मूला, तो मीन माइनस मोड विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर आपको कोफिशियंट निकालना है ना इसका, देन इट विल मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इस फार्मूले से कोफिशियंट निकालना है, इट इज थ्री मीन माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, क्यूनस का सेकंड मेजर दिया है बाउली ने, किसने दिया है, बाउली ने। एंड जो सेकंड मेजर है स्क्यूनस का दैट इज Q3+Q1, यहाँ पे Q3 एंड Q1 आएगा, ठीक है। माइनस Q2 लिख सकते हैं आप, Q2 मतलब सेकंड क्वार्टाइल जो है दैट इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2Q2, ठीक है। सो दैट इज Q3 थर्ड क्वार्टाइल,
Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q2 का मतलब भी मीडियन होता है, ये होता है ना बीच वाला जो है ये मीडियन है, दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल, और इसे हम Q2 भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज, स्क्यूनेस का मेजर इसमें से क्या है? स्क्यूनेस का मेजर होता है β1। β1 इज इक्वल टू म्यू क्यूब स्क्वायर ओवर म्यू टू क्यूब। बहुत बार फार्मूला करवाया होगा मैंने, थर्ड मोमेंट का स्क्वायर और सेकंड मोमेंट का क्यूब, दैट इज अ फार्मूला ऑफ स्क्यूनेस, और β1 से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस लाई बिटवीन, फर्स्ट कोफिशियंट जो है स्क्यूनेस का, उसकी वैल्यू किस में लाई करेगी? That lies between -3 to +3। स्क्यूनेस के फर्स्ट कोफिशियंट की वैल्यू -3 and +3 में लाई करेगी। नेक्स्ट है, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टू द राइट, अगर एक फ्रीक्वेंसी कर्व है और उसकी लंबी टेल है इस तरह राइट की तरफ, ठीक है, तो स्क्यूनेस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, कैसी होगी इसकी? अगर टेल इस तरह से राइट की तरफ है तो स्क्यूनेस कैसी होगी? आ जाओ दरवाजा खोल के, स्क्यूनेस कैसी होगी? ठीक है, अगर जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसकी लंबी टेल राइट की तरफ है तो स्क्यूनेस होगी पॉजिटिव। मैंने आपको बहुत बार डिफरेंसेस बताए हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड सिमेट्रिकल स्क्यूनेस में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब ये आपको पता है मीन मीडियन मोड कब ज्यादा रहता है और मोड कब ज्यादा रहता है, मीन कब ज्यादा रहता है, ऑलरेडी ये सभी कंसेप्ट आई हैव क्लियर डेट, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव। अगर फ्रिक्वेंसी कर्व जो है ये लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कैसी होगी? तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी नेगेटिव, स्क्यूनेस जो है इस केस में आपकी नेगेटिव होगी, डी नहीं बी आंसर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इस केस में स्क्यूनेस आपकी नेगेटिव होगी। मेरी एक वीडियो है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के मैराथन पे, अगर आपको आपने प्लस ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप ऐसा कीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स वाला मैराथन देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, वॉच करो। मेजर ऑफ कर्टोसिस, अब कर्टोसिस का मेजर क्या है? कर्टोसिस का मेजर स्क्यूनेस का मेजर β1 होता है एंड कर्टोसिस का मेजर क्या होगा? β2, ठीक है, β2। β1 इज ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज इक्वल टू म्यू क्यूब स्क्वायर ओवर म्यू टू क्यूब, एंड β2 इज अ मेजर ऑफ कर्टोसिस। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? β2 को, दैट इज म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इट इज β2। अच्छा, वही क्वेश्चन अभी आ गया जो अभी बताया था, म्यू m स्क्वायर क्यूब m क्यूब स्क्वायर, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? मतलब हम, मतलब वही यहाँ पे म्यू ही है, अभी बताया था इसे हम b1 से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस बोलते हैं। तो b1 विल बी द करेक्ट, ओके। तो अगर हम b1 का अंडर रूट कर दें तो वो किसके बराबर होता है? सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ये सभी कंसेप्ट करवाए हुए हैं, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर β1 का अंडर रूट कर दें तो वो आपका किसके इक्वल होगा? γ1 के, ठीक है। γ1 इज इक्वल टू ±√β1, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो, देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगी। अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, γ1। नेक्स्ट है आपका वही, अभी मैंने ये फार्मूला भी बताया है, दैट इज म्यू 4 म्यू 2 का स्क्वायर, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? तो दैट इज डिनोटेड बाय म्यू 2, है ना, मेजर ऑफ कर्टोसिस।
कटोसिस का मेयर होता है बीटा टू से इसे डिनोट करते हैं कटोसिस का मेयर। नेक्स्ट है बीटा टू माइनस थ्री को किससे डिनोट करते हैं, बीटा टू माइनस थ्री जो है ये गामा टू होता है, ठीक है, गामा टू, ये जो गामा टू है, अब ध्यान से थोड़ा सा इसका समझिएगा, अगर आपका ये जो है ये थ्री के बराबर हो जाए, कर्टोसिस जो है आपका थ्री के बराबर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है मेसोकर्टिक, अगर आपका कर्टोसिस ग्रेटर देन थ्री हो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है लेप्टिकर्टिक, अगर आपका कर्टोसिस लेस देन थ्री हो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है प्लेटिकर्टिक, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमेशा मेसोकर्टिक रहती है। अभी दोबारा से इस फार्मूले एक बार बताती हूँ, देख लीजिए ध्यान से, एक होता है स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस में सबसे पहले आता है बीटा वन, बीटा वन का फार्मूला होता है म्यू क्यूब का स्केयर ओवर म्यू टू का क्यूब, और एक होता है इसमें गामा वन जो होता है दैट इज बीटा वन का अंडर रूट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कर्टोसिस, कर्टोसिस में होता है बीटा टू इज म्यू फोर ओवर म्यू टू का स्केयर, और बीटा टू में आगे होता है गामा टू इज बीटा टू माइनस, ये चार फार्मूले हैं क्यूनस एंड कर्टोसिस। नेक्स्ट है फ्लैटनेस एट द टॉप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज रिलेटेड टू, अगर फ्रीक्वेंसी कर्व जो है टॉप पे फ्लैटनेस है तो ये मतलब किससे रिलेट करता है, फ्लैटनेस स्टीपनेस का कंसेप्ट किससे रिलेट करता है, इट इज रिलेटेड टू कर्टोसिस, है ना, ये कर्व जो है आपका एक ये है और एक ये है, दिस इज प्लेटिकर्टिक, दिस इज मेसोकर्टिक, दिस इज लेप्टोकर्टिक, ठीक है। नेक्स्ट फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा टू विल इक्वल टू, अभी करवाया था मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा टू किसके इक्वल होगा, बीटा टू थ्री के इक्वल होगा, और जो आपका बीटा वन है वो किसके वन के होता है इक्वल, है ना, और गामा जो है वो जीरो के, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो आपका बीटा टू जो है वो थ्री के इक्वल रहता है, कर्टोसिस आपका थ्री रहता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ बीटा टू इन केस ऑफ प्लेटिकर्टिक कर्व्स, प्लेटिकर्टिक कर्व्स अभी बताए, दिस इज लेप्टोकर्टिक, दिस इज मेसोकर्टिक और दिस इज प्लेटिकर्टिक, है ना, जो सबसे नीचे वाले होते हैं। अब जो प्लेटिकर्टिक कर्व होते हैं इसमें थ्री की वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली, बीटा टू जो है इसमें लेस देन थ्री रहेगा, ठीक है, बीटा टू लेस देन थ्री रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्लेटिकर्टिक होगी, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है फोर फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स रेंजेस, पहले पांच नेचुरल नंबर्स के लिए रेंज क्या रहती है, सिंपल सी बात है, पहले पांच नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपका जो रेंज है इसमें सबसे लोएस्ट नंबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नंबर, तो रेंज आपकी क्या होगी इसमें फोर, ठीक है ना, फाइव माइनस वन टू थ्री फोर फाइव, दीज आर नेचुरल नंबर्स, है ना, तो फाइव माइनस वन विल बी इक्वल टू फोर। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड बाय, दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, देखो जो डिस्पर्शन होता है ये बताता है वेरिएशन क्या है, मीन जो है अर्थमेटिक मीन एवरेज बताता है, कोरिलेशन है रिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स में, रिग्रेशन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बताता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका सही आंसर क्या होगा दैट इज कोरिलेशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एज यू नो कोरिलेशन 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इट इज 0, अभी बताया 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, सॉरी उल्टा बोल गई, दैट इज माइनस 1 टू प्लस 1, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू है जो इसकी वो माइनस 1 होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज माइनस 1, 0 टू 1 तो उसकी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, एक्चुअली आज सुबह सुबह उसकी भी क्लास लगी थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें मैंने वैल्यू 0 टू 1 बताया था, तो 0 टू 1 ये भी हो गया, दिस इज माइनस 1 टू प्लस 1, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन मेयर, कोरिलेशन का कोफिशियंट क्या मेयर करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन, डिग्री ऑफ द रिलेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन मेयर डायरेक्शन एंड डिग्री, रिलेशन का डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में मतलब क्या वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ना, दैट इज अ डायरेक्शन, और डिग्री भी उसको रिलेशन की, कि रिलेशन कितना है उसकी कितनी डिग्री है, ठीक है, प्लस है माइनस है डिग्री क्या उसकी।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड अलोंग, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स, याद रखिएगा, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वाई, वो हम एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी है सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अब क्या होगा, अगर हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेंगे तो उससे सेल्स हमारी ज्यादा होंगी, है ना। मतलब जो सेल्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एडवर्टाइजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम सेल्स को फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एंड एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करने से ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स बढ़ेंगी। तो एडवर्टाइजमेंट इज इंडिपेंडेंट और सेल्स जो है एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। होपफुली ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी है ये सीरीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले सेशन सक्सेस स्टोरी ठीक सुबह 10 बजे जरूर देखिएगा, और अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल फॉलो कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस के लिए, प्लस कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के ज्वाइन करने के लिए। मेरा रेफरल यूज करके सिमर 10 अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।